हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट होने वाली है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 5000 सीट होने वाला है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हो डिफेंस के सेक्टर में जॉब करना, इंडियन आर्मी के अंदर जॉब करना, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि इंडियन आर्मी के तहत नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। पहले ही बताया कि बम्पर सीट है, 5000 सीट के लिए वैकेंसी आई है। अप्लाई करने की जो तिथि है ना, 13 फरवरी से ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है ऑलरेडी। लास्ट डेट 22 मार्च रहने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 22nd ऑफ मार्च। जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर ही दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑनलाइन हो रहा है तो अच्छी बात है। चलिए, फॉर्म की जो फी होगी ना, ऑल इंडिया के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से 250 यानी 250 रुपीज आपका फॉर्म फी लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि एज का लिमिट क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं किस तिथि के अनुसार एज कैलकुलेट होगा। एज ऑन 1st of January 2024 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल होंगे। देखिए, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें डेट वाइज मेंशन किया गया है। 1st of October 2000 से लेके 1st April 2006 मतलब कि 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में जिन भी कैंडिडेट का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो सभी इलिजिबल रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं कि एग्जाम डेट क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें डेट भी बताया गया कि 22 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो एग्जाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तैयारी की स्पीड को बूस्ट करना होगा आपको, ताकि जब पेपर हो उस टाइम आप अच्छा स्कोर कर पाओ। चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप पहले ही समझ गए होंगे कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है, तो 10+2 विथ आपका मेडिकल स्ट्रीम से होना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं स्ट्रीम क्या रहेगा। देखिए, दो तरह से एक्सप्लेन किया गया है। पहला ये कि जिन्होंने भी 10+2 में साइंस लिया है, ये साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपका है 10+2 में। कम से कम टोटली आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और हर विषय में आपका 40% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। या फिर जिन्होंने 10+2 में साइंस लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश है, टोटली आपका ओवरऑल 50% कम से कम होना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज 40%। आई होप कि क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आप चयनित होंगे अपने पोस्ट के लिए। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस आपका 4 स्टेज से गुजरने के बाद सिलेक्शन होता है। पहले स्टेज पे ऑनलाइन एग्जाम होता है। पहले जो भी डिफेंस का पेपर होता था ऑफलाइन होता था रिटर्न, पर इस बार से नया शुरुआत किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके थ्रू आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसको क्वालिफाई करोगे आप, देन आपका पीईटी एंड पीएसटी मतलब कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका डीवी होता है यानी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर मेडिकल होगा, तब जाके ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे आपको क्या सब करना होगा। पहले स्टेज पर एग्जाम होता है ऑनलाइन, जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, मतलब हर क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा। समय मिलेगा आपको 1 घंटे का और निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, 1/2 मतलब 0.5 का निगेटिव मार्किंग होगा। अब विषय वाइज अगर बात करें तो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए होगा, मैथ से 5 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए होगा, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए रहेंगे, बायो से 15 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए। देखिए,
अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का होने वाला है, तो जिनका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। और जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपका फिजिकल होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ पीईटी एंड पीएसटी कंबाइंड की क्या सब होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट होता है। आपका जो हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर से लेके 170 सेंटीमीटर, ये जो होता है ना राज्य भर आपका डिवाइज होता है, मतलब कि हर स्टेट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। वो आप नोटिफिकेशन को देखोगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ के लिए क्या मिनिमम हाइट होने वाला है। तो 157 से 170 के बीच स्टेट वाइज हाइट रहेगा। चेस्ट आपका सभी कैंडिडेट के लिए 77 to 82, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, 77 से लेके 82 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की दौड़ है जिसको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद पुलअप्स होता है, मतलब जो बीम खींचते हैं वो होता है, 10 करना होता है और ये क्वालिफाइंग होता है। देन आपको डिच यानी कि गड्ढा बनाना होता है 9 फीट का, वो भी क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद जिगजग बैलेंस, मतलब कि रस्सी के ऊपर खुद को बैलेंस करके टेस्ट देना होगा, वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो जब आप फिजिकली फिट पाए जाओगे उसके बाद देन आपका क्या होगा, डीवी प्लस मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो एग्जाम का सेंटर होगा आपका नियर बाय सिटी में ही रहेगा, जहाँ पे आप दोगे प्रीफ्रेंस उसी आपके नियर बाय सिटी में जाके एग्जाम देना होगा। रही बात कि सिलेक्शन के बाद कहाँ सर्व करना होगा, तो इंडियन आर्मी के थ्रू ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट में कहीं पर भी आर्मी छावनी में आपको जॉब दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आपको सर्व करना होगा। सर्व करेंगे क्या सैलरी मिलेगी वो मैं बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग सैलरी होगी 30,000 की और बाद में पर्स अलाउंसेस के बाद 50,000 के करीब आपको सैलरी मिलती है। तो मौका अच्छा है, 5,000 सीट के लिए वैकेंसी आई है और आपको मतलब क्या है, बस एक सीट से। तो अपनी तैयारी इतनी स्पीड से अच्छे से करिए कि इस बार एक सीट आप अचीव कर पाए। और आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल जानकारी आपको दी है इस पोस्ट के बारे में, सब कुछ आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन आ रहा है मन में, तो कमेंट करके पूछ लेना आप। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी हूँ, वहां से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन थोरो आउट देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करते जाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।